आज द जॉन एंकरबर्ग शो में यीशु कौन था। हाल ही में दोष निकालने वाले विद्वान बहस करते हैं कि यीशु नासरी ने कभी दावा नहीं किया कि वो इसराइल का मसीहा है और कभी खुद के बारे में नहीं सोचा कि वो परमेश्वर का अद्भुत पुत्र है। लेकिन आज इस तरह का दोष निकालने की बात नहीं है, ऐसा क्यों है? और हम आगे ये जान सकेंगे कि यीशु के बारे में इतिहास के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सटीक कैसे हैं। हम किस तरह से जानेंगे कि यीशु के अनुयायियों ने यीशु के बारे में इन कहानियों को नहीं बनाया। आज मेरे मेहमान हैं जो इन सवालों के जवाब देंगे, वो है फिलोसोफर डॉक्टर विलियम लैनक्रे। इनके पास फिलोसॉफी में PhD है बर्मिंगहम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, साथ ही डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी डिग्री है म्यूनिक की यूनिवर्सिटी से। आज हमारे साथ इस विशेष प्रोग्राम में जुड़ जाए द जॉन एंकरबर्ग शो में। प्रोग्राम में स्वागत है, मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे मेहमान है डॉक्टर विलियम लैनक्रे, ये हमारे समय में सबसे अच्छे फिलोसोफर हैं। ये जुड़े हैं डिबेट में, आज हमारे संसार के दोष निकालने वालों के साथ चर्चा करते हैं जो हमारे संसार के सबसे बड़ी सम्मानित यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। और डॉक्टर क्रेग, मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। और हमारा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु कौन था। हम किस तरह से जान सकते हैं कि 400 समाचार में जो उसने बताया है वो सच है? दोष निकालने वाले विद्वान बहस करते हैं कि यीशु नासरी ने कभी परमेश्वर का पुत्र या प्रभु होने का दावा नहीं किया या किसी तरह से ईश्वर होने का दावा नहीं किया। लेकिन आज आप कहते हैं कि इस तरह से कोई दोष निकालने वाली बात नहीं है, इसे समझाइए। इसका कारण यही है जॉन कि नए नियम के इतिहासकार इस बात की सराहना करते हैं कि सुसमाचार में भरोसेमंद लेख है ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में जिसे यीशु नासरी कहते हैं। कई बार इसे यीशु की यहूदी घोषणा कहते हैं। विद्वान इस बात को जान गए हैं कि यीशु नासरी को समझने के लिए सही पृष्ठभूमि तो ग्रीको रोमन माइथोलॉजी नहीं है, लेकिन ये तो पहली सदी का पलिस्तीनियन यहूदी विचार है। यीशु यहूदी था और सब चेले यहूदी थे, और ये तो उस पृष्ठभूमि पर यीशु नासरी को सही तरह से जाना जाए और उसका अर्थ समझे। जब हम ऐसा करते हैं तो सुसमाचार ऐसे दिखते हैं कि ये सटीक और सही तरह के लेख है इन मनुष्य के जीवन और शिक्षा के बारे में। यीशु नासरी प्राचीन संसार में बहुत से स्रोतों के लिए माना जाता है, यहूदी स्रोत, मसीही स्रोत, रोमेन स्रोत, और इन स्रोतों के सबसे शुरू के भाग नए नियम में रखे गए हैं। और हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि शुरू में इस नाम की कोई चीज़ नहीं थी जो कि नया नियम कहते हैं, केवल अलग अलग डॉक्यूमेंट थे ग्रीक भाषा में जो पहली सदी में दी गई थी, जैसे कि लूका का सुसमाचार, प्रेरितों के काम, ग्रीस के कुरुंथियों के लिए पौलुस की पहली पत्री, और फिर सैकड़ों साल बाद चर्च ने सब डॉक्यूमेंट को एक साथ इकट्ठा किया और नाम दिया नया नियम। तो इस केस के अनुसार शुरू के ही ज्ञानी यीशु के जीवन के बारे में पहले के स्रोत है, ये तो वो है जो इकट्ठा कर नए नियम में रखे गए हैं। चर्च ने बाद के और निचले स्तर के स्रोत छोड़ दिए, जैसे कई अप्रोक्रिफल सुसमाचार कहते हैं, जो कि ऐसे लेख थे जो यीशु के सैकड़ों साल बाद प्रकट हुए, और सब जानते थे कि ये झूठे हैं। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु के बारे में बहुत से अजीब और अलग तरह के दृष्टिकोण थे। ये तो सब आधारित थे इस बाइबल के बाहर के स्रोतों पर, जैसे मैंने कहा था कि ये दूसरे और निचले स्तर के कम आधारित रहने वाले स्रोत थे। ये तो शुरू के स्रोतों से कम भरोसेमंद थे। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इन शुरू के स्रोतों को देखते हैं यीशु के बारे में, हम एक ही चक्र में इसका कारण नहीं देखते हैं। विद्वान बाइबल को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बाइबल से ही बताते हुए, लेकिन वो तो केवल शुरू के इन डॉक्यूमेंट्स की ओर जा रहे हैं जो पहली सदी में सौंपी गई थी, और ये यीशु नासरी की अद्भुत कहानी बताते हैं। और वो सवाल पूछते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कितने भरोसेमंद हैं? जी, हमें इस पर चर्चा करनी होगी क्योंकि अभी हमें सबूत के बोझ को देखना है। लोगों को बताइए कि ये सब कुछ जानना हमारे लिए जरूरी क्यों होता है। सबूत का बोझ तो बेचैनी है क्योंकि जब हम इन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचते हैं, सवाल ये है कि क्या ये भरोसेमंद के रूप में लिए जाएं?
जब तक कि वो साबित किए जाए कि इन पर आधारित नहीं रहा जा सकता है, या आप इस अनुमान से शुरू करते हैं कि ये भरोसेमंद नहीं है जब तक कि ये साबित न हो जाए कि वो किसी बात पर भरोसेमंद है। जैसे वो दोष साबित होने तक निर्दोष है या निर्दोष साबित होने तक दोषी है। अब ये जैसे दिखता है उतना ही अद्भुत है। खासकर दोष निकालने वाले इसी तरह से अनुमान लगाते हैं कि सुसमाचार निर्दोष साबित होने तक दोषी है। वो इस अनुमान के साथ शुरू करते हैं कि ये भरोसेमंद नहीं है जब तक कि हम साबित न कर दें कि ये भरोसेमंद है किसी भी मुद्दे पर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इसे केवल ऐतिहासिक तरीके के रूप में देखते हैं। इस अनुमान के साथ शुरू करना सही नहीं होगा कि सुसमाचार भरोसेमंद नहीं है। कारण बताइए कि विश्वास करें कि सुसमाचार भरोसेमंद मंद है। मैं सोचता हूं कि बहुत से कारण है कि हम सोचते हैं कि सुसमाचार भरोसेमंद है। चलिए दो कारण दूं। इनमें पहला है जितना समय लगा, यानी सुसमाचार को लिखने में और इसमें जो घटनाएं लिखी गई है इनके बीच का समय बहुत कम है। ऐतिहासिक स्रोतों से देखा जाए तो यहाँ तुलना करने के लिए शुरू के स्रोत जो सिकंदर महान के बारे में बताए गए हैं, जो एरियन और पुलटार्च से आया था, इसके बारे में सिकंदर की मृत्यु के लगभग 400 साल बाद लिखा गया, और ये प्राचीन इतिहास को पूरी तरह से भरोसेमंद स्रोत माना जाता उसमें है। उसमें उन्हें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही। इसके विपरीत सुसमाचार और पौलुस के नए नियम के पत्र तो इन घटनाओं के बाद पहली पीढ़ी के बारे में बताता है कि उन्होंने लिखे और गवाह तो अब भी जीवित थे। साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प उन्नति हुई है कंटेम्प्रेरी नए नियम के विद्वानों द्वारा कि उन्होंने नए नियम के स्रोतों से परे भी देखा है जिस पर ये नए नियम के लेखक आधारित थे। कई बार लोग इस तरह से पूछते हैं कि यीशु के बारे में जो स्रोत है क्या वो नए नियम से बाहर की है? जी वो तो है, लेकिन इन स्रोतों के बारे में दिलचस्प बात तो ये है कि ये तो बात की बात नहीं, ये तो शुरू से ही है। ये ऐसे स्रोत है जिस पर नए नियम के लेखक खुद आधारित थे, और इसमें ऐसी बातें जुड़ी थी। द पैशन स्टोरी, यरूशलम में यीशु के दुख उठाने और मृत्यु के अंतिम हफ्ते की कहानी, जिसका उपयोग मरकुस ने किया अपने सुसमाचार लिखने में, ये तो सच में बिल्कुल शुरू के स्रोत थे। ये तो शायद यीशु के जीवन के 10 साल के समय काल में जाता है। वो आंखों देखे गवाह थे। इसी तरह से पौलुस ने ग्रीस के कुरिन्थियों के चर्च को पहली पत्री लिखी। वो बताता है उस पुरानी परंपरा से उसे दी गई और उसने अपने अनुयायियों को दी, और इस परंपरा में यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना और प्रकट होने के बारे में बताया गया है बहुत से आंखों देखे गवाह के द्वारा। और विद्वानों ने इस पुरानी परंपरा को बताया है ये यीशु के क्रूसीकरण के बाद पहले 5 साल में लिखी है। तो यहां अवसर बहुत कम है कि लोगों ने इसे अपने मन से बनाया होगा। प्राचीन इतिहास के दूसरों स्रोतों की तुलना में सुसमाचार में बहुत अच्छे दावे हैं कि भरोसेमंद लेखे इसमें है यीशु के जीवन और शिक्षा के बारे में। ए एन शर्विन व्हाइट तो एक ग्रीक और रोमन इतिहासकार थे। ये इतिहासकार तो यीशु के समय काल के बारे में बताते हैं, और शर्विन व्हाइट कहते हैं कि जब हम प्राचीन ग्रीक इतिहासकार के लेख को देखते हैं, जैसे हेरोडोटस जिन्होंने ऐसे महान लोगों के आने के क्रम के बारे में मूल्यांकन किया, उन्होंने कहा कि टेस्ट बताते हैं कि यहाँ तक कि 2 पीढ़ी वो तो बहुत ही छोटा समय काल है कि ऐसे लेजेंडरी टेंडेंसी को दूर करें, ऐतिहासिक घटनाओं को पूरी तरह से दूर कर दे। यानी जब हम सुसमाचार को देखते हैं ये समय काल तो सच में बहुत छोटा है कि इन ऐतिहासिक बातों को हम दूर कर। और इसी बात को मैं समझाने की कोशिश कर। आपने एक और कारण बताया है कि हम सुसमाचार पर भरोसा कर सकते हैं, और आपके पास में लूका से महान उदाहरण है जो लूका का प्रेरितों के काम का लेखक है।
जी, लूका नए नियम का लेखक है जिसने बहुत सचेत होकर इतिहासकार जैसे लिखा है। प्रेरितों के काम तो यरूशलम में शुरू के मसीही चर्च का इतिहास है, जैसे वो परे भूमध्य संसार में फैलता गया। और लूका की सटीकता प्रेरितों की किताब में ये बार बार प्रकट हुई है। हाल ही में कॉलिन हिमर, जो उत्तम इतिहासकार थे, जो उन्हें नए नियम के अध्ययन में लेकर आए, इन्होंने बड़े ही सुंदर रूप में अपनी किताब में बताया है, द बुक ऑफ एक्ट्स इन द सेटिंग ऑफ हेलेनिस्टिक हिस्ट्री में। हिमर प्रेरितों के काम की किताब में जाते हैं पूरी तरह गहराई से और ऐतिहासिक विवरण लेकर आते हैं, और इतिहास की गहराई की बात को हमें निकाल कर बताते हैं, उन सारी बातों को जिन्हें प्राचीन संसार में सामान्य रूप तथ्यों के रूप में जाना जाता है। इतने विवरण से बताया कि ऐसा व्यक्ति जो सामने चित्र में आया था, जो इसे जानता है, और बार 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 लूका की सटीकता प्रकट की गई है। सिकंदर के कौन शिप से यात्रा, यानी मिस्र से लेकर भूमध्य के किनारे के टापुओं तक, जहां पॉल्यूस भी गया था, वहां से उस जगह के स्थानिक नाम और इन टापुओं पर के अधिकारियों के नाम, लूका इसे सही बताता है। बार बार लूका की किताब में लूका की ऐतिहासिक सटीकता प्रकट की गई है। चलिए मैं लोगों के सामने से पढ़ता हूँ। वो लूका के सुसमाचार का आरंभ इस तरह से कहते हुए करता है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले हैं और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे थियोफिलुस, मुझे उचित मालूम हुआ कि उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। मैंने तेरे लिए से क्रमानुसार लिखा ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल हैं। इन बातों को तू जान ले, वो कहता है कि ये कैसी अटल हैं। जी, यहाँ लूका सावधानी से इन बातों का अध्ययन करता है, आंखों देखे गवाहों की इंटरव्यू लेता है जो जानकारी के बारे में जानते थे। और ये दिलचस्प है कि लूका का ये दृष्टिकोण देखे, ये उत्तम ग्रीक में लिखा गया है। ये ऐसा है मानो ये उत्तम ग्रीक इतिहास के जैसे लिखा है थियोसिडस और हेरोडोटस, और लूका दिखा रहा है कि मैं इस अद्भुत तरीके से लिख सकता हूँ, यदि चाहूँ तो व्यावसायिक इतिहासकार जैसे लिखूँ। और फिर वो आता है बहुत ही सामान्य ग्रीक पर, जाने जाने वाली ग्रीक पर, अपनी बाकी कहानी में। लेकिन वो चाहता है कि पढ़ने वाले जान ले कि यदि वो चाहते तो उत्तम ग्रीक इतिहासकार के रूप में इसे लिख सकता है। साथ ही ये भी बताता है कि लूका के सुसमाचार के 16वें अध्याय में यहाँ लेखक अचानक फर्स्ट पर्सन का उपयोग करता है अनेक वचन में, जैसे हम ट्रोएस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा में आए, हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे इत्यादि। ये इस तरह बताता है कि लूका भी पौलुस के साथ उसके काम में जुड़ जाता है भूमध्य नगरों की यात्रा में। और फिर वो पौलुस के साथ यरूशलम में वापस आता है, जहां वो आंखों देखे गवाही की इंटरव्यू ले सकता है। जैसे उसने कहा था, उत्तम इतिहासकार A.N. शविन वाइट के अनुसार, प्रेरितों के काम तो इसकी ऐतिहासिकता के बारे में सबूत देते हैं। ये तो रोमांचित करने वाला है। कोई भी कोशिश जो इसके इतिहास के बारे में इनकार करते हैं, यहाँ तक कि विवरण की बात में, ये तो अब सटीक लगते हैं। ये तो बहुत मजबूत शब्द है। और ये वही लेखक है जिसने यीशु के जीवन के बारे में लिखा था, लूका का सुसमाचार, जो कि उसकी पहली किताब है, फिर प्रेरित है, और प्रेरितों के काम में उसने बताए हुए विवरण पर आधारित रहने वाली बात हमें भरोसा देती है कि इस लेखक पर भरोसा रखें जहां तक यीशु के जीवन की बात आती है। तो इस पहली बात को बताने के लिए मैं सोचता हूँ कि ये पूरी तरह अन्याय होगा कि सुसमाचार को इस अनुमान के साथ कि वो भरोसेमंद नहीं है। चाहे हम अनुमान लगाए कि ये भरोसेमंद नहीं है, तो कम से कम हमें उनकी ओर सामान्य रूप में देखना चाहिए, और सबूतों को हमें वहां ले जाने देना है जहां वो ले जाना चाहते हैं। और साथ ही नए नियम के इतिहासकारों ने एक क्राइटेरिया बनाया है जिसे ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया कहते हैं, जिसका उपयोग किसी खास कहने के लिए या यीशु के जीवन की घटनाओं के लिए हो सकता है, जो ऐतिहासिक संभावना बढ़ती है कि ये सच में ऐतिहासिक है। और
इन क्राइटेरिया का उपयोग यीशु के जीवन की खास घटनाओं और बातों के साथ उपयोग करने से हम खास भरोसा पा सकते हैं कि ये सच में ये विषय हुआ है। जी, ये तो साधन है जो इतिहासकारों ने उपयोग किया है, केवल नए नियम के डॉक्यूमेंट में ही नहीं लेकिन दूसरी किताबों में भी। बिल्कुल सही, ये ऐसा क्राइटेरिया है जो किसी भी ऐतिहासिक स्रोत के लिए उपयोग हो सकता है, उनके ऐतिहासिक सही होने की बात को देखने के लिए। बिल, मैं चाहता हूँ कि लोग समझ ले कि ऐतिहासिक ये क्राइटेरिया जिसका टेक्स्चुअल विद्वान उपयोग करते हैं कि निश्चित करे किसी भी ऐतिहासिक बात को या डॉक्यूमेंट में आई किसी भी बात को निश्चित करने के लिए। बताइए। ऐसे तो बहुत है जॉन, मैं केवल 6 बताऊंगा। नंबर 1 तो ऐतिहासिक फिट होगा, यानी ये कहना कि ये घटना इन बात के साथ मेल खाती है, समय और जगह के बारे में सुसमाचार एनाक्रोनिस्टिक नहीं है लेकिन ये मिलते हैं पहली सदी के यहूदी समाज और उनकी परंपरा से। दूसरी बात, ये तो शुरू के स्वतंत्र स्रोत है, यदि कोई घटना या कोई बात शुरू के स्रोतों में पाए जाते हैं और साथ ही उससे हटकर दूसरे स्रोतों में भी पाए जाते हैं तो ये संभावनाओं को बढ़ाता है कि ये ऐतिहासिक घटना के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये सही होगा कि ये शुरू के स्रोत दोनों एक ही घटना के बारे में बता रहे हैं। यीशु के चमत्कार एक उदाहरण है, इन घटनाओं को बहुत बार अलग अलग रूप में जांचा गया है शुरू के स्रोतों में। तीसरा क्राइटेरिया तो एम्बैरेसमेंट का क्राइटेरिया है, यदि कोई घटना अजीब है या किसी तरह से मनगढ़ंत हो शुरू के मसीही चलन की ओर से तो ये कह सकते हैं कि ये उन लोगों द्वारा बनाई हुई है। उदाहरण हो सकता है यीशु का बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता द्वारा, यूहन्ना लोगों को पापों की क्षमा करने के लिए बपतिस्मा दे रहा था, जबकि शुरू में विश्वासी भरोसा करते थे कि यीशु पाप रहित था तो वो कोई कहानी नहीं बनाते कि यीशु यूहन्ना के पास जाता है कि बपतिस्मा ले, और इसलिए लगभग सब विद्वान मानते हैं कि ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया था। चौथा क्राइटेरिया तो असमानता होगी, यदि कोई घटना शुरू के यहूदी विचार के अनुसार न हो और साथ ही बाद के मसीही विचार से नहीं मिलते हैं तो ये तो ऐतिहासिक है और यहूदी और मसीही नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, यीशु ने मनुष्य का पुत्र होने का दावा किया, ये तो शुरू के मसीही चर्च में उपयोग नहीं किया गया यीशु के लिए, ये प्राचीन यहूदी विचारों में बहुत कम उपयोग हुआ है, और फिर भी सुसमाचार में ये तो यीशु का अपने बारे में पसंदीदा परिचय था, जिससे ये संभावना ज्यादा होती है कि यीशु खुद को मनुष्य का पुत्र समझता था और खुद को यही कहता था। जी, 4 सुसमाचार में 82 बार उसने खुद को ये कहा है, ये तो बहुत बार कहना है। बिल्कुल सही। पांचवा क्राइटेरिया है तो सेमिटिज्म का होना है, यानी हम कह सकते हैं कि ये तो सुसमाचार में हीब्रू और अरामिक के चिन्ह पाना है, सुसमाचार ग्रीक में लिखे गए हैं, यानी जब हम ये चिन्ह देखते हैं अरामिक के या हीब्रू के तो हम यीशु ने कहे असली शब्दों को देख रहे हैं और उसके उपदेशों को देखते हैं। और अंत में 6 क्राइटेरिया तो कोहेरेंस होगा, यदि कोई घटना यीशु के बारे में पहले से स्थापित तथ्यों में फिट होती है तो ये भी उस घटना के ऐतिहासिक संभावना को बढ़ाता है। जी, ये क्राइटेरिया उपयोग किया जा सकता है किताबों की खास घटनाओं के बारे में, ये तो मानो उनमें से मोती चुनने के जैसे होता है, इसे समझाइए। बिल्कुल, ये क्राइटेरिया उपयोग हो सकते हैं यीशु के जीवन की खास बातों और घटनाओं के बारे में, चाहे ये कहीं भी पाए जाए, हम इसे अपोक्राफो सुसमाचार में उपयोग होते हैं या धार्मिक किताबों में कि ऐतिहासिक मोतियों को चुन सके और दूसरे भरोसे न करने वाले स्रोतों में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ होता है, यानी इसे साबित करने के लिए कहिए कि यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, आपको ये भी साबित करने की जरूरत नहीं कि सुसमाचार भरोसेमंद है और यीशु बेतलहम में जन्मा था या यीशु ने 5,000 को भोजन दिया था, ये सारी घटनाएं अपनी ही क्षमता में अपनी सच्चाई पर परखे जा सकते हैं ऐतिहासिक होने के इस क्राइटेरिया में। ठीक है बिल, चलिए कल्पना कीजिए कि हमारे पास हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमें भरोसेमंद जानकारी देते हैं और हमें टेक्सचुअल साधन देते हैं कि हर घटना को परखते चले जाएं, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ बातें जो हमारे होठों से आते हैं। कल्पना कीजिए कि स्वयं यीशु ने कहा, क्या उसने कभी इसराइल का मसीहा होने का दावा किया है? मैं सोचता हूं कि यीशु नासरी ने इसराइल का मसीहा होने का दावा किया है और ये प्रकट किया गया उसके शब्दों में और उसकी क्रियाओं में भी। मसीहा कौन था?
मसीहा के बारे में विश्वास किया जाता था कि वो दाऊद के वंश से आने वाला है, जो यरूशलेम में दाऊद के सिंहासन को फिर से स्थापित करेगा और इज़राइल के शत्रु के जुए को फेंक देगा और उस देश में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा। वो पूरे संसार में यहूदी और अन्य जाति का आदर सम्मान रूप में पाएगा। और ये अद्भुत है कि यीशु ने सोचा कि वो मसीहा है, वही व्यक्ति है। ये शब्द मसीहा ग्रीक में ये है क्रिस्टोस या क्राइस्ट, और ये शीर्षक था जिसका उपयोग शुरू के विश्वासियों ने किया कि बताएं कि वो यीशु के बारे में क्या विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए मरकुस का सुसमाचार इन शब्दों से शुरू होता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार की शुरुआत, और यूहन्ना का सुसमाचार इस वाक्य के साथ खत्म होता है, ये इसलिए लिखा गया कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र है। यानी शुरू के मसीही चलन ने विश्वास किया कि यीशु ही मसीह था, उसे मसीहा कहा, और सच में ये यीशु के साथ इतना करीबी रूप में जुड़ गया कि ये तो आगे उसका उपनाम ही हो गया, यीशु मसीह। इसका अर्थ है मसीहा यीशु। अब सवाल यह है कि यीशु नासरी ने कभी खुद को मसीहा होने का दावा नहीं किया, तो फिर बताइए कि शुरू के विश्वासियों को यह विचार कहां से मिला? मसीहा को तो इज़राइल के शत्रु के जुए को तोड़ना था, और इस केस में इसका अर्थ है रोम। उन्हें शर्मिंदा कर मृत्यु न दे किसी अपराधी के रूप में यीशु नासरी की बात तो इस पर विश्वास करना असंभव बना देती कि वो मसीहा है। यदि वो खुद इसके बारे में कोई दावे नहीं करता, यानी शुरू के विश्वासी चर्च का विश्वास कि यीशु ही मसीहा है संभवतः इसी बात पर जाता है जहां यीशु खुद मसीहा होने का दावा किया, जिस पर वो विश्वास करते हैं कि ये उसने साबित किया मुर्दों में से जी उठने के द्वारा, जो क्रूसीकरण की बात के विषय में है। यानी शुरू से ही मैं सोचता हूं कि ये पूरी तरह संभव है कि ये मसीहा होने का दावे यीशु ने ही किए होंगे। और जब हम खास बातों को देखते हैं यीशु के जीवन के बारे में, तो यही बात आती है। जी, मैं सोचता हूं कि एक उदाहरण जिसके बारे में सब विद्वान सहमत होंगे, ये तो सच्चाई है। यूहन्ना ने सवाल पूछा यीशु से, और यीशु ने यूहन्ना को जवाब दिया कि वो मसीहा है या नहीं है। जी, सुसमाचार में हमारे पास एक कहानी है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जेल डाला जाता है, और वो यीशु नासरी को संदेश भेजता है, कहा क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखे। ये तो बहुत शुरू के स्रोत में ही जांचा गया, जिसे मत्ती और लूका बताते हैं, और इस कहानी की क्रेडिबिलिटी है इसे तो एम्बेरसमेंट के क्राइटेरिया पर ही परखा गया है, क्योंकि ये दिखाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का विश्वास यीशु में डगमगा रहा था। शुरू का चर्च यूहन्ना के बारे में ऐसे वाक्य नहीं कहता जब तक कि ये सत्य न हो। यीशु ने यूहन्ना को उत्तर दिया, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंत देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बाहरी सुनते हैं, मुर्दे को जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। अब यीशु ने सीधा क्यों नहीं कहा कि हाँ मैं ही हूं जो आने वाला था, ये इतना घुमाकर कहना क्यों? खैर, जॉन हमें जवाब मिलता है डेड सी स्क्रोल से, कुमरान के असीन समुदाय की ओर से। डेड सी स्क्रोल्स में उन्होंने मसीहा के बारे में शर्तों को लिखा है जो यीशु ने बताई, शर्तों से मिलता है। वो कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी अपने मसीहा को सुनेगी, वो अनंत काल के सिंहासन पर धर्मी का आदर करेगा, वो बंधुओं को आजाद करेगा, अंधों की आंखों को खोलेगा, और जो झुके हुए हैं उन्हें वो उठाएगा, और प्रभु महिमामय काम करेगा जो नहीं किए गए हैं। जैसे उसने कहा है कि वो जख्मी को चंगाई देगा, वो मुर्दों को जिंदा करेगा, वो क्लेशों में पड़े लोगों को सुसमाचार सुनाएगा। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बता रहा
है, खासकर मसीहा होने का चिन्ह। उस समय के यहूदी विश्वास करते थे कि मसीहा के आने पर यह सब होगा, यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की इस कहानी में मुझे लगता है कि साबित करने वाले सबूत हमारे पास है कि यीशु नासरी विश्वास करता था कि वो काफी समय से प्रतिज्ञा किया गया यहूदी मसीहा है। दोस्तों, हम इसमें बस शुरू कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यीशु के होठों से आए हुए शब्दों के बारे में। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या ये भरोसेमंद है और हम कैसे जानेंगे, और हम देख रहे हैं कि क्या यीशु ने खुद को मसीहा कहा है। अगले हफ्ते हम इसे आगे देखेंगे। हम आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह ने जो दावा किया परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र होने के दावे के बारे में क्या, और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में जरूर जुड़ जाएंगे। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहां जॉन एंकरबर्ग शो में यदि आप विश्वासी होने में दिलचस्पी लेते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट jashow.org पर जाएं और क्लिक कीजिए बिकमिंग अ क्रिश्चियन पर, जो हमारे होम पेज के ऊपरी भाग में है। आप जानकारी भी पढ़ सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के साथ अपने उद्धारक के संबंध में आ सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए या आप हमारे दूसरे प्रोग्राम या विषय देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाए jashow.org पर और वॉच पर क्लिक कीजिए। यदि आप हमारे प्रोग्राम स्मार्टफोन पर देखना चाहते हैं तो ऐप स्टोर पर जाएं और हमारी मुफ्त जॉन एंकरबर्ग शो ऐप डाउनलोड कीजिए। इससे आप हमारे 60 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम देखेंगे जो आप कहीं भी किसी भी समय देख सकते हैं मुफ्त में। आपके लिए उपलब्ध बहुत सी जानकारी भी आप यहां देख सकते हैं। अगले हफ्ते जॉन एंकरबर्ग शो में हमारे साथ फिर से जुड़ जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। बिल, यीशु का खुद के बारे में इस तरह का विचार था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ इसके बारे में हमें बताया गया है मत्ती अध्याय 11 वचन 27 में। इस वचन में क्या है जरा बताइए। मत्ती 11:27 में यीशु ने कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब बहुत अच्छा कारण है कि ये सोचे कि ये एक ऐतिहासिक यीशु के बारे में एक बात है। सबसे पहले ये तो सबसे पुराने स्रोत से लिया गया है जो मत्ती और लूका द्वारा बताया गया है, जब वो सुसमाचार लिखते हैं। और साथ ही ये ऐसा नहीं जो पहले चर्च ने बनाया हो, क्योंकि ये है कि पुत्र को नहीं जान सकते हैं, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। लेकिन ईस्टर के बाद के चर्च हम पुत्र को जान सकते हैं, हम जानते हैं कि मसीह हमारा उद्धारक है। तो ये नहीं हो सकता कि बहुत बाद में खोजा गया ऐतिहासिक यीशु के बारे में। इसके साथ ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि यीशु ने खुद ही कहा कि वो परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है और अद्भुत प्रकाशन है पिता परमेश्वर का मनुष्य जाति पर। ये तो सच में बहुत ही अद्भुत दावा है जी। चलिए अगले में चलते हैं और वो है मरकुस अध्याय 13:32। यीशु अपने दूसरे आगमन के समय के बारे में बताता है। वो कहता है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, न स्वर्ग में कोई स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता जानता है। इसके बारे में जरा आप बताइए। फिर से ये ऐतिहासिक यीशु के बारे में मजबूत रूप में कहना होगा। संभव है कि परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। यदि आप चाहते कोई प्रार्थना करें या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर फोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फोन कीजिए, कोई बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय आप फिर से जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह के साथ में अपना संबंध कैसे शुरू करें, इसे जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग कीजिए jashow.org पर, और वहां पर प्ले टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर पर क्लिक कीजिए।